गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां आज हम लोग करने वाले हैं कुछ फैशन पिक्स को तो रोस्ट करेंगे, बिकॉज ये वाली पिक्स देखने के बाद है ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई हूँ और मैं लिटरली नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसी गारमेंट्स भी हैं और ये लोगों ने पहने हुए हैं। हाँ, रियल लाइफ में आई रियली डोंट नो, बट रैंप पे ज़रूर पहने हुए हैं। और ये कहाँ से आते हैं लोग, मतलब क्या कितनी हाई क्रिएटिविटी होती है लोगों की, हमारे अंदर इतनी हाई क्रिएटिविटी है या नहीं, ये आप लोग डिसाइड करेंगे पूरी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी को समझ आ जाएगा कि हमारे अंदर एक ना एक डिज़ाइनर छुप के बैठा हुआ है। और हमारी मम्मियों के अंदर तो एक नहीं 50 डिज़ाइनर निकलेंगे अगर आप ये वीडियोस देखोगे। तो पिक्स देखो और उसके बाद कमेंट ज़रूर करना कि आपको इसमें से सबसे ज़्यादा वर्स्ट गारमेंट कौन सा लगा। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दो फर्स्ट पिक आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मतलब मैडम ने क्या पहना हुआ है, कार्डबोर्ड का टॉप और पैटर्न पेपर की स्कर्ट। तो आई रियली रियली डोंट नो कि डिज़ाइनर ने क्या सोच के बनाया, कपड़ा नहीं था या टाइम नहीं था। एक्चुअली इसमें भी काफ़ी टाइम लगा होगा आई मस्ट से, बट आई डोंट नो, बनाया तो बनाया। ओके फाइन, पूरी की पूरी कलेक्शन है, आप देखिए पीछे कुछ पिक्स है ना, ब्लर ब्लर हो रही है, लेकिन सोचने वाली बात है, अगर कोई इसको परचेज करता है तो ये मिलेगा कितने में, व्हाट अबाउट द कॉस्ट, आपको क्या लगता है। और थर्ड पॉइंट, ये हम घर में भी बना सकते हैं, सब बना सकते हैं, छोटा सा बच्चा भी बना सकता है, इसको देखने के बाद यही लग रहा होगा, बट थोड़ा मुश्किल तो है। और फोर्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इसको पहनने के बाद अगर बारिश आ जाए तब क्या होगा। दिमाग की घंटी जली, चलिए तो आप बताइए आपको ये वाला गारमेंट कैसा लगा। मुझे तो ये गारमेंट मतलब समझ ही नहीं आया, ऐसे हम कर सकते हैं ना। ओके फाइन, वो बाद में सोचेंगे जब हमें बहुत 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 हाई फैशन का कुछ बनाना होगा। अभी तो हम मीडियम डिज़ाइनर हैं, तो उसी के हिसाब से हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड गारमेंट की। जो सेकंड गारमेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलूँ भी या चलो छोड़ ही देती हूँ, आप ही बोलो इसके बारे में कुछ, क्योंकि टायर पहन के कौन जाता है यार। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ समझे, इतना लंबा टायर मिला तो मिला कहाँ से, हमने तो इतना लंबा टायर, आपको पता है ये इतना लंबा टायर कहाँ से मिल सकता है, मुझे नहीं पता। मैं ये सोच रही हूँ कि ये टायर गाड़ी का भी नहीं है, साइकिल को तो नहीं है, ट्रक का तो चौड़ा होता है, ये तो छोटा है, किसका टायर है। ओके फाइन, लेकिन डिज़ाइनर की आप क्रिएटिविटी देखिए, उसने टायर से गारमेंट क्रिएट किया, वो बात अलग है। मुझे नहीं लगता कि ये रैंप वॉक पे भी गया है, क्योंकि ये सी फोटोशूट तक के लिए तो ओके वेरी क्रिएटिव आइडिया, बट रैंप वॉक पे कैसे वॉक करेगा उसको पहन के। दूसरा, इसको कोई रियल लाइफ में पहनेगा, पॉइंट टू बी नोटेड बिलो। आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि इस टाइप का गारमेंट आपने किसी को पहने हुए देखा है, या फिर इस टाइप का गारमेंट कोई रियल लाइफ में पहन सकता है या नहीं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड गारमेंट की, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो थर्ड वाला गारमेंट है, ओ माय गॉड, इसको देख के पता है क्या लग रहा है, मम्मी ने सारे के सारे कपड़े वार्डरोब से निकाल के मेरे ऊपर डाल दिए हैं। कि मैंने मम्मी से बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए, शी सेज ये भी है, 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 देन आई वॉज लाइक इतना सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। अब आप खुद ही देखो यार, इतना सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, और मैं इसको पहन के रैंप वॉक कर रही हूँ एज अ मॉडल, नॉट बैड। मतलब
रियली आप ये सोचो ना, क्रिएटिविटी डिज़ाइनर ने क्रिएटिविटी कहाँ से देखी है? मम्मी से। तो मम्मी से बड़ा डिज़ाइनर तो रियली रियली कोई हो ही नहीं सकता। लव यू मॉम। ये देखो कि उसने जो, जैसे इंडियन मॉम्स होती है ना खासकर, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं और बोलती हैं कि मम्मा कुछ नहीं है पहनने को, रुक अभी बताती हूँ कुछ है या नहीं है। दैट डड 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 निकल के आपके सामने आपके ऊपर होता है। देन यू वॉज लाइक, ये गारमेंट डेफिनेटली उसी से इंस्पायर होके बनाया हुआ है, मुझे तो ये लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट डाउन द बिलो, एंड प्लीज़ लाइक करके जाना वीडियो को, शेयर करना, कमेंट करना, जितना जितना हो सके इस वीडियो को फैला दो यार, आग लगा दो। चल अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ गारमेंट की। इन मैडम को क्या हो गया है, मतलब ये जो ये पॉलिथीन से हम पॉलीबैग्स इकट्ठा कर करके रखते रहते हैं मम्मियाँ, या कूड़ा इकट्ठा कर करके। हाँ मतलब ऐसा होता है ना, जब आप छोटे छोटे मतलब कूड़ा भी हम ऐसे रखते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके, और बहुत सारे पॉलीबैग्स हो गए उनको इकट्ठा करके, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक एक बलून बना बना के रख देते हैं। देन कुछ उसको हमने उठाया, वो फेंक दिया एक पर्सन के ऊपर, एक स्ट्रक्चर के ऊपर, तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है। वेरी क्रिएटिव या आई मस्ट से मॉम, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, यू इंस्पायर मी अलॉट। इस टाइप के गाने पहनता कौन है यार? मेट गाला में, आई थिंक यू आर राइट, मेट गाला में इस टाइप के गारमेंट मिल सकते हैं, नॉट फेज राइट। बट अगर इस टाइप के गारमेंट इंडिया में पहन के कोई घूमेगा, ओ क्या बात हो जाएगी। आई मीन मतलब कि कुत्ते भी उसके पीछे पड़ सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ये इंडिया का कल्चर कह रहा है। कुछ भी ऐसा पहनोगे तो डेफिनेटली ओके ज़्यादा हो गया, वापस आ जा। ओके अब हम बात करते हैं अपने इस वाले गारमेंट की। वैसे ये गारमेंट अच्छा है, एक पॉइंट से गारमेंट अच्छा है। आप जैसे बहुत जगह होते हैं ना, आप बस में ट्रैवल करो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, आप इस टाइप का निकला हुआ, यहाँ से निकला हुआ पहन के चले जाइए बस में, देखो सब आपसे कैसे दूर 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 भागते हैं, कोई आपके पास नहीं आएगा। बिलीव मी गाइस, कोई भी आपके पास नहीं आएगा। तो ये वाला गारमेंट आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं गर्ल्स, मस्ट ट्राई दिस गारमेंट। बट पहन के ऑफिस जाने के बाद ओके वो बात की बात है, बट आप इसको पहन सकते हैं, क्रिएटिविटी है यार, आपकी सेफ्टी भी है। इस चीज़ को आप ज़रूर मानेंगे कि इसमें सेफ्टी पर्पस के हिसाब से डिज़ाइनर ने सोचा हुआ है और परफेक्ट सोचा हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट गारमेंट की, जो कि है ओके दैट वन इज़ लाइक टी शर्ट फट गई है और उसको मैंने तकिया बना लिया है। कुछ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, लास्ट नॉट द लीस्ट गारमेंट, बट बहुत सारे ऐसे गारमेंट हैं, बहुत सारी खिचड़ी पक गई है मेरे दिमाग में अगर, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहीं पे इसको स्टॉप कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा और बोलूँगी, बट उसके जो नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं इसी टाइप के कुछ गारमेंट में सर्च करके आप लोगों के लिए लाऊं और उनके बारे में हम कुछ बखान करें, अपनी मम्मियों के बारे में हम कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलें, तो ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हम ये डेफिनेटली इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, हम इसका सेकंड पॉइंट बनाए, सेकंड पार्ट भी बनाएंगे और थर्ड भी बनाएंगे, फोर्थ भी बनाएंगे, फिफ्थ भी बनाएंगे। ओके वापस आ गई। चलिए अब बात करते हैं इस वाले गारमेंट की। इस वाले गारमेंट में पता है कैसा लग रहा है, टी शर्ट है वो फट गई है और उसको हमने एज अ पिलो कवर यूज़ किया है, उसके अंदर हमने ना छोटे छोटे कुशन्स डाले हैं, तो प्यारे प्यारे से, बट वो इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। और दूसरा इसको पहना कैसे है यार, मेरे को ये चीज़ नहीं समझ रही, आपको समझ आ रहा है इसको कैसे पहना है मॉडल ने? अगर समझ आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट करिए नीचे और मुझे बताइए कि आप क्या समझ आ रहा है, कि उसने उसको पहना कैसे है, पहनने लायक है, पहना तो है तो मतलब पहना तो होगा। ओके या गाइस,
दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कुछ कुछ ऐसा क्रिएट करना जिससे लोगों के फेस पे स्माइल भी आए और वो मेरे कंटेंट को इन्जॉय भी कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हाँ, कहाँ जा रहे हैं, सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, बाय।